जो बोलने जा रहा हूँ उसके बाद हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का जो बिजनेस है बाकियों का भी बिजनेस आधा हो सकता है। डॉक्टर बख्शी एंड माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, सिक्स सिग्मा की सारी टीम और हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, 20 हॉस्पिटल्स हैं हमारे। आई एम द को फाउंडर, हमारे फाउंडर आचार्य मनीष यहाँ बैठे हैं। इनको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ अगली पंक्ति उसके बाद हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का जो बिजनेस है बाकियों का भी बिजनेस आधा हो सकता है। तो अगला पंक्ति सुनिए। सो आफ्टर दैट, जिनके भी हॉस्पिटल हैं अगर ये पंक्ति यहाँ से बाहर गई, बिजनेस कैन बी रिड्यूस टू 50%। जो बीमार हैं अगर सिर्फ एक काम करें कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं और शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, सनसेट के साथ ही खाना खत्म कर दें, तो एक हफ्ते के अंदर उनका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है। एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है। करीब 15 से 20 दिन में उनके ज्वाइंट पेन ठीक होने लगते हैं। करीब 1 महीने में उनका 5% वेट घटने लगता है। 4 से 6 महीने में उनका नॉर्मल BMI आने लगता है। और इस तरह के हमने देखा कि द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट। जस्ट वन चेंज, टाइम एज मेडिसिन, टाइम ही मेडिसिन है। 8 बजे से के पहले कुछ ना खाओ, शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाओ। अब बात करते हैं जो रह गए 50% बिजनेस, उनको हम क्या कहें, व्हाट वी डू व्हेन दे कम टू अस। वो लोग होते हैं जो काफी ज्यादा बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं, जैसे डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, जिनके ऊपर कीमोथेरेपी चल रही है, सर्जरी चल रही है, जो उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए व्हाट वी डू द अदर काइंड ऑफ मेडिसिन व्हिच वी कॉल एज ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी ही आपकी मेडिसिन है। अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रही है और हमारा द ग्रेविटी इज पुलिंग द ब्लड डाउन, एक बैलेंस मेंटेन है ना, और जिसकी वजह से सारा सर्कुलेशन हो रहा है। और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जो 70% ऑफ देम हमारे जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं वो यही वाले आते हैं। आने से पहले उनको बोलते हैं कि भाई ये बिस्तर है, राइट, इस बिस्तर को अगर वैसे टिल्ट कर दिया, वो 10 डिग्री एंगल में बिस्तर को टिल्ट कर दिया, राइट, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ऐसे टिल्ट कर देंगे तो अभी जब मैं खड़ा हूं या जब आप बैठे हैं तो हार्ट एंड ग्रेविटी इज फाइटिंग विद ईच अदर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन काम कर रहे हैं। अब मैंने टिल्ट कर दिया, हार्ट और ग्रेविटी दोनों एक ही डायरेक्शन काम कर रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी सपोर्टिंग द हार्ट। और जैसे ही ये करते हैं और 2 घंटे तक अगर ऐसे करेंगे, 2 आवर्स एवरी डे खाली पेट में, तो पहले दिन उनकी स्वेलिंग कम होने लगती है, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है, जो क्लासिक सिम्टम है क्रॉनिक किडनी डिजीज के वो पहले दिन ही सबसाइड होने लगते हैं। तो दैट वी कॉल एज ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो इसके लिए हमारे हॉस्पिटल या किसी के हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, दिस कैन बी डन एट होम, योर बेड कैन बी योर मेडिसिन, वेरी सिंपल। ऑन द अदर हैंड, मान लो कोई ऐसे पेशेंट है जिनको नींद नहीं आती, ऐसे पेशेंट है जो GERD के पेशेंट हैं, गैस्ट्रिक इसोफिकल रिफ्लक्स डिजीज, राइट, या जो डिप्रेशन के पेशेंट है, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, उनका जो बेड का एंगल हम करते हैं, दिस वी डू इन आवर हिम्स हॉस्पिटल, हम करते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देयर। अब मैंने इसको 10 डिग्री इंक्लाइन कर दिया बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन अब वो 2 घंटा नहीं, ओवरनाइट सोना है। आप में से कोई अगर ऐसा जिनको नींद नहीं आ रही, जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, या जिनको पार्किंसन की दिक्कत है, और ये अगर आपने 10 डिग्री 7 to 10 डिग्री ऐसे इंक्लाइन करके बेड को रख दिया जैसे अभी है, और ऐसे अगर ओवरनाइट सोएंगे तो एक तो नींद बड़ी अच्छी आ जाएगी होपफुली, और दूसरा ये जो आँखों के जो एक काला जो धब्बा चारों तरफ होता है, डार्क सर्कल जैसे बोलते हैं, वो भी लाइट होने लगता है। जो कैटरेक्ट के पेशेंट है, ग्लूकोमा पेशेंट है, जो आँखों में जो एक प्रेशर है वो कम होने लगता है, एंड दे स्टार्ट सीइंग बेटर। एक दिन करके हम बोलते हैं, पहले दिन करो, एक दिन में अगर आपको फर्क दिख गया तो ही आप दूसरे दिन करो, राइट। तो रिस्क इज ऑनली ऑफ वन डे, राइट। अब मान लो जो अभी सर कोविड की बात कर रहे थे, कोविड में हमारे सेंटर्स थे और ऐसे लोग जिनको सांसें नहीं आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, वी इंस्टेड ऑफ वेंटिलेटर वी डू व्हाट वी कॉल एज प्रोन वेंटिलेशन। जस्ट ये पेशेंट है, उसको जैसे ही हमने पोस्चर चेंज कर दिया, ऐसे प्रोन वेंटिलेशन, पेट के बल लिटा दिया, अब हार्ट नीचे हो गया, लंग इज एट द टॉप, द लंग गॉट एक्सपैंडेड एंड विद इन 25 minutes to 30 minutes SpO2 starts increasing, right? So gravity as a medicine. So gravity, there are many things. अब इसमें इसका
सात का कहाँ गया? अभी इन्होंने तो 2-3 मिनट मेरे खत्म ही हो गए, आधा मिनट और लूंगा तो, लेकिन आपको बहुत कुछ मुझे बताना है। तो इस तरह से मोर देन 20 मेडिकल इमरजेंसीज कैन बी हैंडल्ड बाय जस्ट मैनिपुलेटिंग द ग्रेविटी। तो वो 20 मेडिकल इमरजेंसीज जो कैसे हैंडल होगा, उसके लिए आई मेड दिस फॉर यू। यहाँ पे एक पपेट है जिसको आप मूव करके वो सारे मेडिकल कंडीशन समझ सकते हैं। ये बार हिम्स का स्टॉल है, वहाँ से यू कैन कलेक्ट इट। और यहाँ पे जो डायस में जो हैं उनके लिए दिस बुक आई हैव सर फॉर यू, सर्कैडियन डॉक्टर। आपके जो लोग हॉस्पिटल ओनर्स हैं हमारे काउंटर से आप सर्कैडियन डॉक्टर बुक ले सकते हैं, राइट, 1-1 एंड यू कैन टेक दिस। और इसमें आगे की कहानी है हाउ ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड टाइम एज मेडिसिन, जो कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, सभी के पास है, कैन हेल्प यू और यू कैन हेल्प द पेशेंट टू गेट रिड ऑफ द डायलिसिस डिपेंडेंसी, इंसुलिन डिपेंडेंसी और फॉर दैट मैटर और भी इस तरह की बीमारियाँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।